नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का हमारा नई वीडियो में। आज आपको जानकारी देंगे इस हटजोड़ के पौधे के बारे में। ये हटजोड़ पौधा आप अपने घर पे लगाते हैं तो आप इस तरह से यदि ऊपर की ओर ले जाते हैं तो एक सुंदरता का भी काम करता है। पर क्या आपको मालूम है ये सर्वगुण संपन्न है, क्योंकि आपको हर इंसान को दर्द होता ही है, और दर्द जो पुराना दर्द हो जाता है तो उसे गांठ भी बोला जाता है, गांठे गांठ। जैसे कि ये आपको भी दिख रहा होगा, ये गांठ का ही प्रकार का ये हटजोड़ है। तो हमारे जो शरीर में जितना भी शरीर में अंग है तो हमारा भी अंग में गठे गठ, जैसे ये हमारा ये उंगली ले लें तो यहाँ पर गांठ गांठ में दर्द होता है, और दर्द होता है बहुत दर्दनाक दर्द होता है पैर का गठ में, जैसे कि ठेवना हो गया, एल्बो हो गया, कहीं का भी दर्द बहुत ही आसानी से ये दर्द में काम करता है। आज आपको दर्द के साथ साथ इसे लगाने का विधि भी बताएंगे। बहुत ही आसानी से ये पौधा आपके घर पे लग जाता है, और ये पौधा आपके घर पे रहेगा तो आप इसे आसानी से इसे खा भी सकते हैं और अपने दर्द को जड़ से दूर कर सकते हैं। तो आइए पहले इसे बताते हैं इसे खाया कैसे जाता है। इसे आप मेरा वीडियो में पूरा बने हुए रहे, इसे खाने से लेकर लगाने तक का बताएंगे और इसे कैसे खाया जाता है इसे ये भी बताएंगे। तो आप हमारा वीडियो में पूरा अंत तक रहें तभी आपको मालूम होगा दोस्तों कि इसे हम कैसे लगाना है। तो पहले हम खाने की विधि बताते हैं कि इसे कैसे खाया जाता है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, इस प्रकार से आप लिए हैं तो इस प्रकार से हमको कितना लेना है, तो चार ले लेना है। इस तरह हमें चार लेना है, और चार के साथ में इसे छीलना कैसे, इस तरह आपको छीलना है, इस तरह को छीलना है, छीलकर जैसे आप नेनुआ कद्दू वगैरह छीलते हैं उस तरह इसे छीलना है। इस तरह आपको सारा साइड छीलना है, ये हम एक तरफ छील के आपको दिखाएं तो इस तरह हमें सारा साइड में छीलना है। और छीलने के बाद आपको लेना है 50 ग्राम मसूर दाल, मसूर दाल के साथ में आपको लहसुन लेना है एक पोट, यानी एक पोट लेना है, यानी कि आपको कली नहीं लेना है, एक वो गुट्टा पोट लेना है, वो लहसुन ले लिए। अब आपको लेना है मिर्चा आदि, आपको तीता खाना है तो दो को हरा मिर्चा ले लें, और ये साथ में उसके पीस लें। पीसने के बाद आप सरसों तेल में इसका पकौड़ी बना के सुबह सुबह खाते हैं, और खाने के बाद हल्दी डालकर एक गिलास दूध पी लें तो आपका कहीं का भी दर्द हो एकदम आसानी से चला जाता है। और दोस्तों ये कहते हैं, कितने वीडियो में बताए हैं कि इसे कच्चे खाना है, तो बिल्कुल भी इसे कच्चे नहीं खाइएगा, आपका ये मुंह नोचने लगेगा। इस तरह आप कभी भी कच्चे नहीं खाइएगा। जो भी यूट्यूबर बोलता है कि इसे कच्चे खाकर आप दूध पी लें तो बहुत गलत बोलता है। इससे आपका मुँह में जिस तरह कच्चू का पत्ता ओल का जो होता है वो सब मुँह काटता है, उसी तरह ये भी पौधा मुँह काटता है। पर इसका औषधि गुण या दवाई बना के खाते हैं तो ये आपको बहुत ही फायदा करता है। यदि सुबह टाइम आप इसका पकौड़ी खाकर दूध पी लेते हैं तो केवल आपको दोपहर में खाना खाना है, उसके बाद कुछ नहीं लेना। इस तरह आप 10 दिन करते हैं, 10 दिन के अंदर में आपका कहीं का भी दर्द हो बहुत ही आसानी से दर्द को निकाल देता है। खून कहीं कहीं थक्का होने लगता है, खून को ठीक करता है, कहीं गांठ बन रहा है तो गांठ को भी हटाता है। इस तरह एक नहीं कई रोग को ये इलाज का मतलब बहुत ही अच्छा स्रोत है, इसका दर्द का ही बहुत ही अच्छा स्रोत है। इसे आप 10 दिन खाएं। और खाने का नियम कौन सा मौसम में है, तो आप एक बरसात के सीजन में खा सकते हैं, एक ठंड का सीजन में खा सकते हैं। बहुत भयंकर गर्मी पड़ेगा तो उस समय नहीं खाना है, क्योंकि ये गर्म प्रतीक का है, क्योंकि आपको दर्द होता है तो कोई भी चीज़ गर्म से ही ठीक होता है, ठंड से हमेशा दर्द बढ़ता है। तो इसे आपको खाना है ठंड के सीजन में, या तो बरसात का सीजन हो या तो ठंड का सीजन हो, इस दो टाइम खा सकते हैं, और गर्मी का सीजन में बिल्कुल नहीं खा सकते। दोस्तों इसे लगाने का विधि अब बताते हैं कि इसे कैसे लगाया जाता है। तो या तो आप इस तरह भी आप लगा सकते हैं, छोटा छोटा भी लगा सकते हैं, और नहीं तो आप बड़ा लगाना है तो आपको इस तरह देख के बड़ा लगाना है। इस तरह आप इसको क्या करना है, पत्ते को हटा देना है और इस जगह से लगाना है, इस जगह से इतना आप मिट्टी में डाल दें। हम आपको लगाकर भी दिखाते हैं इस मिट्टी में कैसे लगाया जाता है। लगाना इसका बहुत ही आसान है, और ये नहीं है कि आप कोई भी मिट्टी में डाल दें, चाहे आप रेत का मिट्टी डाल दें, नॉर्मली मिट्टी में डाल दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा मिट्टी में डाल रहे हैं, कौन सा सोयल में डाल रहे हैं, ये बहुत ही आसानी से ये पौधा होने वाला है। तो आइए इसे हम लगाकर आपको दिखाते हैं बहुत ही आसानी से, और कितना डालना है ये आपको हटा देना है। ये
ये हटाना है, पत्ते हटाना, ये जो गोल गोल रहता है इसे हटा देना और इतना आपको डीपली गड़ देना है, जैसे ये गांठ है तो यहाँ तक आपको डाल देना है ताकि ये हमारा पेड़ का मजबूती बना रहे और आपको ये हफ्ता दिन में इसमें जड़ आ जाएगा। तो फिलहाल हम दो डाल के दिखाते हैं इस तरह आपको कैसे लगाना चाहिए। तो दोस्तों इसे लगाने का विधि बहुत ही आसान है, ये हमारे इस जगह में खुला जगह है तो हम इसे खुला जगह में भी लगा सकते हैं और आपके पास गमला है तो गमले में भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये छोटा वाला पीस लगा के दिखाएंगे, ये आपका छोटा छोटा पीस है तो आपको किस तरह लगाना है, बिल्कुल इस तरह आपको लगाना है और आपका 15 दिन में पत्ता भी आ जाएगा और जड़ भी आ जाएगा, बिल्कुल इस तरह। कुछ भी इसमें नहीं करना है, ना गोबर खाद डालना है, ना कुछ भी नहीं डालना, केवल आपको एक चिकना मिट्टी में भी बहुत ही आसानी से ये पौधा होता है। और इसका पौधा के साथ हर कोई को मालूम नहीं है कि पौधा में विटामिन होता है, पर ये आपका एक सुंदरता का भी जैसा होता है, इस तरह का यदि बेल आपका चढ़ेगा तो लगेगा कि बहुत ही अच्छा पौधा है, ये हमारे घर के लिए बहुत सुंदरता पौधा है। पर ये चीज़ आपको ये चीज़ मालूम चला है कि हमारे शरीर के लिए, हमारे गठे के गठिया के लिए, जिसे गठिया का रोग है उसके लिए बहुत ही अच्छा ये पौधा है, गुनी पौधा। इसे आप 10 दिन खाकर देखें और इसका रिजल्ट हमें ज़रूर बताएंगे कि हमें ये चीज़ खाएँ और हमारा रिजल्ट बहुत ही अच्छा हुआ। तो अब इसे हम ये लंबा है तो हम इसे दीवार के सहारे लगाएंगे ताकि हम इसका जो बेल बढ़ेगा तो हम सूतरी बांधकर इसे बेल ऊपर की ओर खींचेंगे। और ये छोटा छोटा है तो इसे इस साइड में लगा दिए, तो आइए इसमें लगा के दिखा दें। दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह जब इसका जड़ हो जाएगा और ये ऊपर की ओर भागने लगेगा तो इसे और अच्छा से ऊपर की ओर चढ़ाएंगे तो सुंदरता तो बढ़ेगा ही हमारे गार्डन का, पर ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक चीज़ है और फायदेमंद चीज़ है। तो इस तरह का हमारा जानकारी आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।